औरत का दर्द तुम क्या जानो राम बाबू। काम करूं तो सांस फूल जाती है और काम नहीं करूं तो सांस फूल जाती है। कई कई छोरियां फेसबुक पर चैटिंग करने तो ई साबु दुख बताबा लाग जाए जे सासरा का दुख पी राणा ने बताती हुई ये बेटी की बाप क्यों शान को है। पप्पू जी गया सासरे बटे बिनंती सासू माता के सागे प्रवचन सुनबा चलगा गुरुजी का। गुरुजी बटे प्रवचन दे रहा है। गुरुजी बोला जखो भाई भी स्वर्ग में जाबो चाव है जकी भी भान स्वर्ग में जाबो चाव है बा हाथ उपरन कर लियो। स हाथ उपरन कर लिया पप्पू जी को नहीं करियो। गुरुजी पूछो बेटी का बाप से आदमी स्वर्ग में जाबो चाव तू कौन जाबो चाव है। क्यों गुरुजी सासुर बिनंती चली जाए कि जा मार दो अठे स्वर्ग है। लॉकडाउन चल रही है घराऊ फालतू का बारे मत निकलियो। और हाँ अगर फिर भी ताको खटे घूमने मन करे ने तो गूगल मैप पर घूम लियो। मैं तो फिलहाल पेरिस में हूँ बहुत जोर की ठंड लग रही है। कोई बाइकन कोई छोरी की बिना मेकअप की फोटो तो एक भेजो ना यारो मार तो वो बाण जो माटी इतनी खाए बिन ड्रामा तो सर। एक फौजी कितना भी बुढ़ा हो जाए कहलाता जवान ही है। जय हिंद। देखो भाइयों अगर थको वजन 100 किलो है ने तो चिंता मत करो क्योंकि वो मंगल ग्रह के ऊपर 38 किलो ही है और हाँ चांद पर तो वो खाली 16 किलो है। तो मेरे कहने को मतलब है कि खान पान मत बदलो कोशिश करो कि दामड़े हो जाए तो ग्रह बदल। कई कई पापा की परी पीली पीली सी तो पेंट पहन ले रत्ती सी जैकेट सी पहन ले फिर के कच्ची लागू ये बेटी के बाप तू टिड्डी सी लाग गए। दो शब्द मेरे फौजी भाइयों के लिए जिस जिंदगी को तूने फिक्र से जिया उसी जिंदगी को उसने फक्र से जिया। फर्क बस इतना था कि तू जिया वेतन के लिए मेरे फौजी भाई जिए वतन के लिए। जय हिंद वंदे मातरम जय सियाराम। भाई सोले फिल्म तो थकी संकी देखे लिए या बसंती वाली मौसी ठाकुर साहब का राखी बांध देती या ठाकुर साहब बसंती का लागता के। देखो सपोज करो मैंने यार एक गड़बड़ हो गई मौसी राखी बांधती कहते ठाकुर साहब को तो हाथ ही कोई नहीं आ। जातो जातो थाने एक बात बता दू आदमी की जसी करनी बसिया ही बांका पलस्तर है। और हाँ अगर वीडियो चोखो लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बता दिया करो बेटी का बापो। और हाँ हमारा छोटा वीडियो देखना हुआ तो इंस्टाग्राम का लिंक ने भी फॉलो कर सको हो। जय सियाराम।